आपदा राहत कोष के तहत आपदा से पीड़ित सभी परिवारों को मुआवजा मिलने का प्रावधान है। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि जिला मिर्जापुर के सिटी ब्लॉक के मुलवा गांव में बिजली के तार की चिंगारी घर पर गिर जाने से आग लग गई, जिसके कारण कमली देवी सहित 3 लोगों को लाखों का भारी नुकसान हुआ। आग जली 3 महीने बाद भी अभी तक इन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिल पाया। कैसे आग लगी? बिजली से तिनगारी तार जहाँ तिनगारी छिटका हमारे दौरान के मड़ई जर गवा करे। बाद में हमार सरसों धैल है और नेपाल आयन और यहाँ से लिख लग के ले गए। अब तो कहत हैं कि तो बिजली वाले दही हमसे कोनो मतलब नहीं बा, हमने का कोई सुनाई होता गरीबे मनई के। उसी दिन मैं आया था मौके पर, पूरा बकायदे जाँच उच करके मैं इनका रिपोर्ट जो है कर दिया। इनका जो है जो इनका जला हुआ है नुकसान, वो मतलब कि जितना इनका नुकसान है उससे ज़्यादा का हुआ है। और इनका जो है जो भी मिलेगा बिजली विभाग से मिलेगा, हमारे तहसील विभाग से रिपोर्ट मैं कर दिया हूँ। इस गांव में आग के बारे में पता चला तो हमने एक फिल्म बनाया, उसी दौरान हमने SDM को फ़ोन लगाया तो उन्होंने पूछा कि किस थाने के अंतर्गत आता है, तो हमने बताया पड़ी थाने के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, हम इस पे कार्रवाई जल्द से जल्द कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितना हमारे जात जलावा उतना हमार कुछ मिल जाए, तो भाई कुछ हम लोग सहारा हो जाए। जनता हो राण लेवा हम कहाँ जाई, कहाँ कहाँ से खरीदी, कहाँ से तुआ मजूर मनई, रोज कमात रोज कुआँ खुदा रोज पानी पिया, हमें कोई सहारा बा? हमें तो कमाया कसरा रहना, 2 बीघा 4 बीघा अधिया तिकुरी का खेती करत रहे, कैसो पर कैसो पेट अपन लेके अपन दुठ के दिला लेके वही में जरत मरत रहे। आज हमारा सारा संपत्ति जर गया ना। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि जिला मिर्जापुर के सिटी ब्लॉक के सदर तहसील SDM के मोबाइल नंबर है 94-54-41-68-10 पर कॉल करके दबाव बनाएं, ताकि लोगों की समस्या की समाधान हो सके। मैं अनीता भारती, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहट के लिए।